संध्या कहाँ रह गई? दोनों खुश रहो, दुख की परछाई भी दोनों पर कभी ना पड़े। लाड दुलार खत्म हो गया हो तो चले। ऐसे कैसे चले, पंडित जी तो मिठाई वाला प्रसाद दिए ही नहीं। आइए बेटा, मैं तो भूल ही गया। आइए चलिए। अरे ना पल्लू, मंदिर में झूठन गिरेगा, थोड़ा सबर कर ले बिटिया, बाहर चलकर खाएंगे। हाँ ये तो बड़ी तेज है। दो दिन से कुछ नहीं खाए माई बाप, कुछ मदद कीजिए ना। भैया पॉकेट तो हमारी भी खाली है, लेकिन ये प्रसाद ले लो। तो हम काहे ये उम्र में ये गुड़ और मिठाई खा के चीनी वाला बीमारी लगाए। हाँ दे दो। हाँ दे लीजिए। अरे हमारी प्यारी बिटिया, बांटने से बढ़ता है और जोगने से सड़ता है, तो मेरी प्यारी गुड़िया बढ़ाएगी या सड़ाएगी? वो तो खाएगी। रहने दीजिए ना, खाने दीजिए बिटिया को। पल्लू बिटिया दे दे, बेचारा भूखा है। तो हमको कौन सा रोज रोज मिठाई खाने को मिलता है? अरे हमारी गुड़िया रानी खाने को तो मिलता है, अरे बहुत लोगन का ना तो रोटी मिलता है ना ही छत। अरे ये मिठाई का है, हम फिर ला देंगे। अच्छा, महीने में रविवार चार, साल में मौसम चार, राम प्यारी का पैर चार, और अब तो स्कूल में परीक्षा भी चार बार होने लगा। लेकिन बाबा आप तो साल में सिर्फ दो ही बार मिठाई लाते हैं। अरे वो कहा है ना, हमारी प्यारी बिटिया दो, साइकिल का पहिया दो, और राम प्यारी का आंखें भी तो दो। अब तो मिठाई दे दो। इसके बदले माँ तेरे लिए चीनी वाला परोठा बनाएगी, है ना माँ? हाँ, वो भी खट्टी मीठी चटनी के साथ। पल्लू का फेवरेट। फेवरेट नहीं, फेवरेट। हाँ हाँ वही, चल दे 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 दे। ये हुई ना बात। देखो गुड़िया रानी, आज हम तुम लोगन के लिए मिठाई तो ना खरीद सकत हैं, पर तुम लोगन का दिन बातें मीठा बना सकते हैं, एकदम मजेदार है। मिठाई का टुकड़ा उनको देते समय जरा सा हमरे लिए रख लेते। चाहे पूरा गांव में सूखा पड़ जाए, लोटा भर पानी तो बचा ही लेगी पल्लू। मम्मी झूला झूला पे बैठे, अच्छा झूला देखो ना कितना अच्छा झूला, अच्छा झूला माँ झूले पे बैठे। अरे झूला, हाँ, हमारे पास एक तरकीब है, उसमें जो जीतेगा वही पहले झूला पर बैठेगा, तो शुरू करें। का दिन तो बहुत ही खास है, माँ बाबा का शादी का साल गिरा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दादी
दादी तुम हो का? दादी अरे बिस्तर पर तो ऐसे फैली है जैसे चिकने फरस पर राय का दिन। चल उठ जा पल्लू। तुझे अगर भूरा पहलवान का बिस्तर भी दे दे ना वो भी छोटा पड़ जाएगा। आज तो जल्दी उठ, आज माँ बाबा का शादी का सालगिरह है। आ जा उठ जा पल्लू, उठ ना पल्लू। चल सोचा क्या पता आज भी सपने में मिठाई खा रही हो, पूरी ना खा पाए तो उठ के लड़ेगी। दादी दादी काम में ठंडा, ये तो एकदम ही ठंडा है, दूध भी गर्म नहीं हुआ, भूख भी लगी है। आज हम ही कोशिश कर लेते हैं। आज इतना छोटा माचिस का डिब्बा और चूल्हे से भी ज्यादा भाव खा रहा है। आजा और जोर से कूदेंगे तो आसमान में छेद हो जाएगा, फिर वर्षा होगी और वर्षा में भीग कर तू कोनो काम का रहेगा का? तू नीचे आ जा। ई हुई ना बात। चलाना तो 12 का पहाड़ा याद करने से भी ज्यादा मुश्किल है। पता नहीं दादी सब कुछ आसानी से कैसे कर लेती है। हे अम्मे माँ, अलट पलट चलट करके इसको जला ही दो। कोई बात नहीं, हम ये दादी से सीख लेंगे। आज तो ठंडे ठंडे दूध से काम चला लेंगे। राम प्यारी, यही बात तुम्हारी बहुत ही अच्छी लगती है हमें। भूरे भूर उठ जाती हो हमारी तरह। और ये जो तुमने लाल ओढ़नी है ना, ये पहनकर एकदम दुल्हनिया जैसी लगती हो। अब अलट पलट चलट करके थोड़ा सा दूध दे दो ना, हम तुमने लिए नया ओढ़नी लाएंगे, बूटा वाला ओढ़नी। जरा सा दूध निकालने का। बाप रे, लगता आज भी लात मारने का सोच रही है। अरे ये तो बोली गईया है, शेरनी नहीं जो तू इतना डर रही है। दादी शेरनी से भी ज्यादा गुस्सा करती है, पल्लू जैसा एकदम नच्चड़ी। ना 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 ना, बिल्कुल सीधी है और पल्लू जिलेबी जैसी सीधी। देख बिटिया, ये जानवर है ना वो इंसान से भी ज्यादा प्यार कर सकते है, बस थोड़ा सा प्रेम दे दो इसको। अच्छा दादी, तुम रोज रोज गैया को गीत का ही सुनाती हो,
काहे कि संगीत सीधा दिल तक पहुंचता है। कन्हैया के भी दिल तक? ओनी तो का। तभी तो भगवान किशन की बंसी सुन के सारी गैया भागी चली आती थी। चल अब दूध निकाल ले। नहीं नहीं, तुम ही निकालो दूध। और वैसे भी पूरा दुनिया में मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर लेती हो तुम। तू भी कर सकती है, बस कोशिश कर। हम है ना, काहे डरती है। अरे वाह, देखी ना दादी कैसी चिल्लाई, ऐसे चिल्लाई जैसे ततैया काट गया हो। देखना हम कितना कम दूध निकाल पाए। कोई बात नहीं, पर ये बता आज दूध निकालने तू काहे आई? वो काहे आज माँ बाबा का शादी का सालगिरह है ना, तो सोचे ये खास दिन को और स्पेशल बनाएंगे। थोड़ा बहुत काम खुद करके तुम भी मदद कर देंगे। दादी के होते हुए तुमको कोई कामकाज करने का जरूरत नहीं है। ये कामकाज के चक्कर में स्कूल जाने में देरी मत करना। और जा, वो कुंभकर्ण को उठा। जा जा। तो नहीं हो सकता। दादी का भी नहीं हो सकता। क्या हुआ बिंदी? दादी ये देखो पल्लू का फोटो। कहाँ ढूंढ रही है? कछु भूल गई का? इले। अरे ले ना, जल्दी से रख। स्कूल से आने के बाद हम पार्टी करेंगे। आप ना चीनी वाला परोठा तैयार रखना। ठीक है। हमारा मुंह तो अभी से मीठा लगने लगा है। चलो जाओ, स्कूल को देरी हो रहा है। पल्लू, माँ बापा को शादी का सालगिरह का बधाई तो देते। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। माँ बाबा, शादी का सालगिरह का बधाई हो। ये आपके लिए।
काहे रो रही हो दादी? तुम्हारे माए बापा को गुजरे महीनों हो गए, पर आज भी हमको लगता है वो यहीं कहीं है हमारे पास। तुम लोगों को स्कूल पहुंचने में देरी हो रहा है ना, जाओ जल्दी जाओ जाओ जाओ। दिन रात एक ही बात हमको नासूर बनकर दर्द देता है, अगर हमको कछु हो गया तो इन दोनों बच्चियों का क्या होगा? हाँ तो बताओ बारातिया। मास्टर जी हम बताएं। पता था कि पूरे कक्षा में सिर्फ एक ही हाथ उठेगा बिंदिया का, और तुम लोग बागान समझ के ताजा हवा खाने आते। सीखो बिंदिया से कुछ, कितनी मेहनत करती हो पढ़ाई के लिए। अरे तुम लोग गोबर गणेश बताओ बिंदिया। मास्टर जी 12 तिया 35। गलत जवाब, 12 तिया 35 नहीं 36। चुप, एकदम चुप, बस हंसने लग जाते हो। अरे प्रयास किया उसने, और तुम लोग बस ठीक ही करना है मौका मिले तो। वो कहते हैं ना कि नाम ज्ञानेश्वर और दिमाग में गोबर। चलो आज का गृह कार्य लिखो। गलत जवाब दिए थे ना। ये टॉफी तुमरे जवाब के लिए नहीं, तुमरे प्रयास के लिए है। प्रयास के लिए टॉफी? क्यों नहीं, ये प्रयास ही तो है जो हमें जीत दिलवाती है। चाणक्य जी ने बोला था, कोशिश करने वाला व्यक्ति यदि असफल भी हो जाए तो भी उससे बेहतर है जिसे सफलता बिना कोशिश की मिली हो। इसलिए बेटा हमेशा प्रयास करते रहना, कभी हार मत मानना। अब क्या हो गया, टॉफी पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, टॉफी तो बहुत ही अच्छी है, ये हम अपनी पल्लू को दे देंगे। काहे? एक ही टॉफी है ना, फिर हम खाएं और पल्लू मुंह के तो अच्छा नहीं लगता ना। वाह, तुम्हारे माँ बाप हमारा मतलब है दादी ने जो तुम्हें संस्कार दिए हैं बहुत अच्छे दिए। ये लो पल्लू के लिए। बेटा तुम्हारी दादी को याद दिलाना स्कूल की फीस भरने के। जी। ये कांतिराम कहाँ रह गया, घर पे कितना काम पड़ा है। कांति बेटा हाथ दे मेरे को। कहाँ रह गया था बेटा, हम कब से राह देख रहे थे, बच्चियां घर पे पहुंचने वाली होगी ना। अरे आप ही सिर्फ नहीं हो काकी, और कितने लोगों के पास जाना पड़ता है हमें, और आपकी फसल तो कितनी कम है, अब आपके मान के खातिर आ जाते हैं। ये बात तो समझते हैं, बस अब जल्दी से हिसाब कर दो।
काकी ये खेत हमका बेच दो। काहे कि आपसे खेती बाड़ी तो होती नहीं, इतना बड़ा खेत इतनी कम फसल। अब जो उपजा सो उपजा, और रही खेत की बात हम नहीं बेच सकते। काहे कि ये खेत हमरा नहीं है ना, हमारी बच्चियों का हमारी पोतियों का है। अब जल्दी से हिसाब कर दे। अरे काकी आप तो बुरा मान गई। इलो काकी ये तो पिछली बार से भी कम है, ठीक से हिसाब लगा? अब इतना ही आएगा। तुम तो हमारा मजबूरी जानता है ना, हमारे पोतियों का स्कूल का फी घर का खर्चा, एक मजबूर को और मजबूर मत बना। हम तुम्हारे माए जैसे हैं, हमसे थोड़ा कम कमा लेगा नुकसान नहीं होगा तुम्हारा? अब व्यापार में रिश्तेदारी तो होती नहीं है माँ जी। ये लोग आती वो हम दिल के बहुत अच्छे हैं इसलिए दे रहे हैं, वरना इस भाव में हम किसी को नहीं लगाते। अच्छा काकी राम राम। स्कूल में बच्चों के लिए सजा है सजा। सोचो हम छोटे छोटे बच्चे और बड़ा सा बस्ता, छोटे छोटे किताब कापी और जे बड़े बड़े होमवर्क, इसको कहते हैं फूल अत्याचार, अंग्रेजी में चाइल्ड लबर। ए बिंदी रुक का है गई, जूता फट गया का? पल्लू देख हम काला है। सीधा सीधा दिखाना, ये जादू काहे कर रही है? ई कोनो जादू वादू नहीं है, ये तो है सरफारिस। अरे बुद्धू सरफारिस नहीं सरफराइज। हाँ हाँ वही, अंग्रेजी में तो तेरा दिमाग खरगोश जैसा दौड़ता है, फिर पढ़ाई में कछुआ का है। चल छोड़ ना, अब बता ना का है इसमें? इसे सब बात ही समझ ले, मास्टर जी दिए हम कोशिश करते हैं ना इसलिए। तुम कोशिश करो तो तुमको तोहफा, और हमको बस कापी भर भर के होमवर्क। हमको तो लगता है मास्टर जी भी बहुत भेदभाव करने लगे हैं, तुमको फेवरेट बना लिए और हमको बस हेटिंग करते हैं। नहीं पल्लू ऐसे नहीं कहते, दादी कहती है ना गुरु के लिए हर एक शिष्य बराबर होता है, तभी तो उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। और मास्टर जी हमें दो टाफी दिए हम दोनों बहनों के लिए। चल अलट पलट चलट करके कोई भी एक चुन ले। हम काहे करें अलट पलट चलट, तो तुम्हारा है ना, हम तो फूक मार के चुनेंगे। फू ई मुट्ठी, नहीं 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 ई नहीं ई वाला, नहीं 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 रुक रुक ई मुट्ठी, कहे कि तुम्हारा ई मुट्ठी मेंढक के जैसा फूला हुआ लग रहा है, इसका मतलब इसमें है बड़ी वाली टाफी। रुक हमारे पास एक तरकीब है। कौन सा? माँ वाला तरकीब। चल रुक। धोखा की ना हमारे साथ, हमको वो गंदा गुलाबी टाफी खिला दी और खुद टेस्टी टेस्टी आम वाला हथिया ली। पल्लू हम कभी वो धोखा कर सकते हैं क्या अपनी प्यारी बहन के साथ? हमको नहीं पता, पर जब से हम एक गुलाबी टाफी खाए हैं पूरा मुँह का स्वाद बिगड़ गया है। ठीक है इले हम भी नहीं खाते ये टाफी। नहीं 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 इसे फेंको मत। क्या कर रही है? झूठा है वो टाफी। अभी झूठी है पर जब हम इसे पानी से धो देंगे फिर तो झूठी नहीं रहेगी ना। अरे वाह इसमें तो सच में आम का स्वाद है, मजा आ गया। बहुत थक गए हैं, ये छोटे रास्ते से चलते हैं। ना बाबा ना, ये रास्ता तो बहुत सुनसान है, एकदम भुताई, हमको तो बहुत डर लगता है। डर काहे का,
हम है ना तेरे साथ। तो तू कहा हनुमान चालीसा? देख बिंदी, हम तो लंबे वाले रास्ते से ही जाएंगे। काहे कि रास्ते में मटर काका के मिठाई का दुकान मिलता है, तो का खरीद नहीं सकते, लेकिन देख और सुन तो सकते है ना। देख पल्लू, दादी के चीनी के परोठे के सामने मटर काका की मिठाई भी फैल है फैल, समझी? चल छोटे रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे तो दादी की भी मदद हो जाएगी। तो ठीक है, माँ वाले तरकीब कहते हैं। रुक, हम जीते, इसका मतलब लंबा रास्ता। पल्लू, शैतानी करते लेकिन शैतान नहीं है। तो पूरा गांव जानता है। अब चल छोटे रास्ते से चल। बिंदी नहीं, बिंदी नहीं, बिंदी। चलो अंगूठी निकाल, अंगूठी निकाल। छोड़ दो, बचा, बचा। चुप हो जाओ, गुड़िया ने तो चटुआ दबा दूंगा। अंगूठी निकाल, अंगूठी निकाल। सुबह से देख रहे हैं, कुछ तो मिले। बुढ़िया की तो ये तो नकली है। चल पैसा निकाल। पैसा नहीं हमारे पास। पैसा निकाल। नहीं है, पैसा नहीं हमारे पास। चल निकाल, पैसा नहीं है। चल निकाल पैसा। हमारे पास है। चोर, चोर, कोई आओ, चोर पकड़ो। छोड़, 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 पकड़ो। सुनसान है रास्ता, कोई भी नहीं है यहाँ पर। चलना पल्लू, दादी हमारा इंतजार कर रही होंगी। जल्दी चल। बचाओ पल्लू, बचाओ, बचाओ। तुमको कोई आवाज सुनाई दिया का? बोले थे ना भूतिया ही रास्ता, अब हमको भूत धरेगा तो चीनी का पराठा भी नहीं खा पाएंगे हम। दादी का बोतल, दादी का चप्पल। दादी, पल्लू जा। पर तू ही क्या कर रही है? जा ना पल्लू। दादी,